बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, टुडे इज आवर सेकंड क्लास ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस एंड ट्रेड एंड ड्राइवर्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। दीज आर व्हाट वी विल डिस्कस इंशाल्लाह। ओके, रीजनल डेवलपमेंट, ड्राइवर्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस एंड regional developments helping internationalization. How regional developments and economic developments helping the internationalization. Okay, what is internationalization? Internationalization is a phenomena or a process through which an organization, a company, a nation manufacture, develop, or make product and services for the international world according to their needs. The design, the shape of the product or the features of the product or services are as per the requirements or the needs or standards of the international world. So this is called internationalization in very in plain words. Okay. Here we will discuss that how regional developments help a country, a nation to go internationalize or helping in internationalization. Emerging of NAFTA. Okay, emerging of NAFTA. You see, North American free trade agreement emerge. It is we will discuss NAFTA, that what it is a regional block, and it comprise of trade block, basically comprise of United States, Canada, and Mexico, and they created basically a huge North American market. Kiji America, Canada, or Mexico, ये कंबाइन हुए एंड दे डेवलप्ड एन इकोनॉमिक मार्केट। ओके, मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग दिस कंट्रीज इज इजी एज ऑल ट्रेड बैरियर्स हैव बीन रिमूव्ड। द रिजल्ट विल बी अ जॉइंट अमेरिकन मार्केट दैट वुड पैरेलल सिमिलर डेवलपमेंट इन एशिया एंड यूरोप। अच्छा, नेफ्टा जो था ये अमरीका, चाइना, सॉरी अमेरिका, कनाडा एंड मेक्सिको, इन तीनों ममालिक ने मिलकर बनाया था। क्यों बनाया था? कि ट्रेड बैरियर्स को रिड्यूस किया जाए, गुड्स एंड सर्विसेज की फ्री ट्रेड हो सके, जो कस्टम, टैरिफ, ड्यूटीज और मतलब ये कि जो वो होते हैं बैरियर्स, ट्रेड बैरियर्स, इसको रिड्यूस किया जाए, टैक्सेस को कम किया जाए और फ्री मोबिलिटी हो सके और तीनों जो मुल्क हैं, ममालिक हैं, कंट्रीज, इनका ट्रेड फ्लोरिश हो सके। और मतलब ये है कि एवरीवन कैन गेट बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर स्ट्रेंथ्स। और मतलब ये कि बजाय ये कि एक मार्केट हो तो मिलकर तीन मार्केट कंबाइन हो जाए और एक दूसरे की प्रोडक्ट्स को खरीदा जाए और मतलब ये कि इजिली ट्रेड की जा सके। Okay, the most recent changes of GATT are stimulating increased world trade. Under the new agreement, tariffs would be reduced worldwide by 38% and in some cases eliminated completely. Achha, GATT, General Agreement, General Agreement for Trade and Tariff. Ye, basically pehle bana tha, और WTO जो है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वो इसकी एडवांस और रिफाइंड शेप है। अकॉर्डिंग टू गेट, टैरिफ्स और ये चीज़ें जो ट्रेड बैरियर्स हैं, इनको ग्रेजुअली रिड्यूस किया जाए और ताकि तमाम ममालिक इक्वल और लिबरल, आजादाना तरीके से ट्रेड कर सकें। जापान ऑफ लेट हैज इन्वेस्टेड रिलेटिवली मोर इन एशिया देन इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जापानीज कॉर्पोरेशन वांट टू टेक एडवांटेज ऑफ द अंडर डेवलप्ड बट ग्रोइंग एशियन मार्केट। देखिए, इंटरनेशनल बिजनेस
कैसे एक्सपीडाइट होता है, बढ़ता है जब इंटरनेशनलाइजेशन का प्रोसेस हो, रीजनल डेवलपमेंट हो। पहले मतलब ये कि आप हम थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड जब पढ़ेंगे, ब्रीफली मैं बता दूं कि पहले 16 सेंचुरीज 15 सेंचुरीज में क्या होता था। मर्केंटलिज्म की थ्योरी बड़ी मशहूर थी कि एक मुल्क दूसरे मुल्क पे ज़बरदस्ती अपना सामान बेचता था और उससे कुछ नहीं खरीदता था और बुलियन डेवलप करता था। तो उसको कम करने के लिए या उस कंसेप्ट को ख़त्म करने के लिए इक्वल और जो फेयर ट्रेड हो और हर दुनिया के हर मुल्क को उसमें हिस्सा हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि ट्रेड ब्लॉक्स बने, रीजनल ब्लॉक्स बने। तब ये कहता है कि जापान ने एशिया की जो मार्केट है उसमें अपना हिस्सा लेने के लिए उसने उसमें इन्वेस्टमेंट की, और उसमें कोई शक नहीं है। होंडा और ये इस तरह की जापानीज ऑटोमोबाइल्स और गाड़ियां और ये तमाम चीज़ें, इसमें जापान की बहुत बड़ी प्लांट्स और इन्वेस्टमेंट इंडिया में, सिंगापुर में और पाकिस्तान में। इंडिया और पाकिस्तान जापान की बड़ी मार्केट है, एशिया में ग्रोइंग मार्केट है, और यहाँ पे कंज्यूमरिज्म भी है। ओके, एक्सपोर्ट पोटेंशियल, एक्सपोर्ट पोटेंशियल इज वास्ट इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप, रशिया विच आर कन्वर्टिंग देमसेल्व्स टू मार्केट इकोनॉमी। अच्छा, आपने एक और चीज़ देखी कि इस नई एरा में, कारपोरेट एरा और बिजनेस एरा में, आप देख रहे हैं कि पहले रशिया, चाइना, चाइना तो खैर हाँ चाइना भी डाल दे, लेकिन रशिया, चाइना, यूएस, ये पहले क्या करते थे, पहले दुनिया लड़ती थी एक दूसरे के साथ, दे वेज वार्स, दे गो फॉर वार विद ईच अदर फॉर इकोनॉमिक रीजंस। लेकिन न्यू एरा में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ट्रेड जो हो रही है, रशिया, एक टाइम था कि वो गर्म पानी, कराची का जो गर्म पानी था वहाँ तक आने के लिए इसने अफगानिस्तान की जंग लड़ी 1979 से लेकर 88-89 तक, ये 10-11 साल जंग लड़ी, और खूब ज़्यादा उसका नुकसान भी हुआ और उसकी जीडीपी भी इफेक्ट हुई। लेकिन नाउ दे आर कैप्चरिंग द मार्केट्स या थ्रू बिजनेस, और मतलब ये है कि वो एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए और किस तरह ट्रेड की अब एक लड़ाई शुरू हो गई है। देर इज ऑल्सो रिसेंट इकोनॉमिक प्रोग्रेस अमंग लेस डेवलप्ड इकॉनमीज, फॉर एग्जाम्पल इंडिया ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन अप्रोच टू आर इकॉनमी। अच्छा, इंडिया की जो ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है या ट्रेड लिबरलाइजेशन का, या मतलब ये है कि आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट 11 एक कॉन्सेप्ट है कि जी आने वाली दुनिया में बांग्लादेश, नाइजेरिया और इंडिया हुआ, पाकिस्तान, इजिप्ट, इन ममालिक का उस रिपोर्ट में बताया गया है। और ये रिप्यूटेबल जो इकोनॉमिक सर्वे हैं और जो थिंक टैंक्स हैं उन्होंने बनाया है, उन्होंने कहा है कि जी आने वाले दिनों में ये ममालिक जो मैंने अर्ज किए, इजिप्ट, इंडिया और पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये ममालिक जो हैं, नाइजीरिया इवन, ये आगे बढ़ेंगे और इनकी इकानमी जो है वो एक्सपेंड होगी। और ये मतलब लेस डेवलप्ड इकानमीज, रिसेंट जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है वो लेस डेवलप्ड इकानमीज है बहुत, क्योंकि इनमें पोटेंशियल है, इनमें मतलब पॉपुलेशन उनकी है और मतलब ये कि सेचुरेटेड नहीं है, ये बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है। द न्यू इकानमी ए करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द प्रेजेंट सेंचुरी इट सेल्फ डिमांड्स ट्रेडिंग अक्रॉस द ग्लोब। आजकल की दुनिया में आइसोलेशन में ट्रेड नहीं हो सकती। और आप देखें जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे एक इंटरनेशनल बिजनेस में बहुत कम हिस्सा है, बहुत कम है ही नहीं, निग्लिजिबल। नतीजा क्या है, उस पर सेंक्शंस, ईरान को आप देख लें उस पर सेंक्शंस, ईरानी तोमान को आप देख लें, तकरीबन 1.5 लाख 2 लाख रुपए तोमान जो है वो एक पाकिस्तानी रुपए के बराबर हो गए, और इस तरह से भी ज्यादा $1 के बराबर। तो कितना कितना इफेक्ट इस तरह, मतलब बांग्लादेश में इन्फ्लेशन और उसकी वेल डिवेल्युएशन ऑफ द करेंसी जो है जिम्बाब्वे की,
कितनी कम है। लेकिन इसके मुकाबले में अगर मैं देखूं, आपको बताऊं कि करीबी करीबी एग्जांपल बांग्लादेश, एक जमाना था कि उसका 1 टका, हमारा 1 रुपये और बांग्लादेश के 2 टके। लेकिन आजकल आप देख लें कि हमारी रुपए जो है वो बांग्लादेशी टका से गिर गई। तो दिस इज द डिफरेंस, बिकॉज वाई, क्योंकि इट इज ऑल ड्यू टू द ग्लोबल ट्रेड। और आजकल पैसा, एक मुल्क की इकानमी अगर पैसा कमाना चाहती है वो एक्सपोर्ट बढ़ाए। मेरी बात आप समझ लें। ओके, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड, डेवलप्ड कंट्रीज आर एक्टिव प्लेयर्स इन इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, इसमें तो कोई शक नहीं। अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ द ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एमिनेट फ्रॉम रिच कंट्रीज। फॉर एग्जाम्पल, एफ डी आई इन द यूएस स्टैंड्स एट ओवर $600 बिलियन, वाइल द यूएस एफ डी आई इज ऑलमोस्ट $800 बिलियन। डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज आर द मेजर रिसिपिएंट ऑफ एफ डी आई। अब देख रहे हैं, कि डेवलप्ड इकोनॉमीज जो हैं उनका इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट में बड़ा हिस्सा होता है। 80% जो इन्वेस्टमेंट आती है एफडीआई में की मद में, वो अमेरिका, यू ओके जी, डेवलपिंग कंट्रीज, जैसा मैंने कहा कि डेवलप्ड कंट्रीज बड़ा हिस्सा होता है एफडीआई में, और गरीब ममालिक जो होते हैं या डेवलपिंग कंट्रीज, ये जो हैं रेसिपिएंट होते हैं, मतलब यही लेते हैं। जिस तरह अफ्रीका हुआ, जिस तरह एशियन कंट्रीज, पाकिस्तान, इन ममालिक में अफगानिस्तान हुआ, इजिप्ट क्या कहते हैं, बांग्लादेश, ये सीरिया हुआ, इस तरह के, यानी कि गरीब ममालिक जो हैं, दीज आर रेसिपिएंट एंड डेवलप्ड कंट्रीज आर द एक्टिव इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ और रीजंस जिसकी वजह से इंटरनेशनलाइजेशन हो, ब्रीफली, और इसके पीछे मैं बैकग्राउंड भी आपको बताऊंगा कि क्या इसकी लॉजिक थी। देयर इज अ लॉट ऑफ मनी इन द ओवरसीज मार्केट, द एमएनसीज फ्रॉम द ट्राइड, द यूएस, यूरोप एंड जापान हैव ह्यूज एसेट्स, देन अ क्वार्टर ऑफ दीज एसेट्स आर फाउंड इन फॉरेन मार्केट। और जी ऑफ द यूएस इज वन ऑफ द टॉप एमएनसी जनरल इलेक्ट्रिक विद एसेट्स ऑफ ओवर $300 बिलियन इन 1997, एंड नियरली अ थर्ड ऑफ इट्स एसेट्स वर फाउंड इन ओवरसीज कंट्रीज। द डच यूके फर्म शेल has huge assets and three-fifths of these are located overseas. It is being realized that the domestic markets are no longer adequate and rich. Japan flooded America with automobiles and electronics because domestic market was not large enough to absorb whatever was produced. आप देख रहे हैं, ये कहता है कि जी इंटरनेशनलाइजेशन की एक वजूहत तो ये है कि अमीर जो ये ममालिक जो हैं, ये इसीलिए इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, गरीब ममालिक में अपने पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं एफडीआई के मद में, इन टर्म्स ऑफ या एफडीआई, क्योंकि देखिए जनरल इलेक्ट्रिक $300 बिलियन 1997 में इसके एसेट्स थे, एक टॉप मैन्युफैक्चरिंग एमएनसीज कंपनी है, और ये क्या जनरल इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल्स वगैरह बनाती है। अब खुद देखें कि पाकिस्तान का जीडीपी 1997 में 300 बिलियन नहीं था,
लेकिन जनरल इलेक्ट्रिक के एसेट 300 बिलियन डॉलर थे। इससे आप अंदाजा लगा लें कि इन ममालिक के साथ पैसे बहुत ज्यादा थे, और ये इसको फर्दर इन्वेस्ट करना, मल्टीप्लाई करना और सेचुरेटेड मार्केट से ले जाना। ये कहते हैं आप देखते हैं 80s में जापान जो था उसने, बल्कि 70 से स्टार्ट करके 80s, जापान ने अपनी गाड़ियां अमेरिकन मार्केट में फ्लडेड कर दी थी, एक्सपोर्ट कर दी थी। अब उस वहां पे और जगह थी नहीं अमेरिकन मार्केट में कि वो जापानीज गाड़ियां खरीदें, और जापानीज तो उन्होंने सोचा कि हम गरीब ममालिक का रुख करें। आप देखते हैं कि अमेरिकन का जो लोग हैं उनका पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है, यानी कि ये मैं आपको बहुत पुरानी सर्वे की बात बता रहा हूँ, 35,000 डॉलर पर कैपिटा इनकम अमेरिकन का ऑन एवरेज। इसके मुकाबले में पाकिस्तानी का अगर आप देख लें 1200 1100 1300 डॉलर। तो अब इस पर कैपिटा इनकम के मुताबिक उन्होंने क्या किया कि पाकिस्तानी मार्केट या इंडियन मार्केट के लिए भी प्रोडक्ट ही वैसे बनाने शुरू कर दिए। कंपनीज ऑफन सेट अप ओवरसीज प्लांट टू रिड्यूस हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। द हायर द रेशियो ऑफ यूनिट कॉस्ट टू द सेलिंग प्राइस पर यूनिट द मोर सिग्निफिकेंट द ट्रांसपोर्टेशन फैक्टर बिकम्स। अच्छा एक और चीज मैं बताऊं, एक तो ये वजूहत थी कि इनके साथ पैसे थे तो ये गरीब ममालिक का रुख करने लगे, दूसरी बात ये कि इनके ऊपर टैक्सेस और ये लोकल ममालिक में बहुत ज्यादा टैक्सेस और लेजिस्लेशन आने शुरू हो गए, इन पे बहुत खर्चा आना। देखिए अमेरिका में एक आप एक कंपनी खोलते हो उस पर आपका बहुत ज्यादा टैक्सेस खर्चा, आप जब जो कमाते हो उसके ऊपर आपको कितनी टैक्सेशन देनी पड़ती है, और दूसरा आप लेबर कितना एक्सपेंसिव होता है और वहां पे टेक्नोलॉजी कितनी महंगी। लेकिन इसके मुकाबले में अगर आप अफ्रीका में कोई प्लांट खोलते हो, पाकिस्तान में कोई प्लांट खोलते हो, ईरान में खोलते हो, अफगानिस्तान में खोलते हो, इवन इंडिया में खोलते हो, या किसी दूसरे छोटे मुल्क में, गरीब मुल्क में, तो वो आपको वेलकम करेगा। वो कहेगा कि आप डॉलर यहाँ पे ला रहे हो, हम आपको जो फैसिलिटी आप चाहते हो हम आपको देंगे। चीप लेबर, कितना चीप लेबर, यहाँ पे लेबर की सैलरी 30,000 रुपये में खुश, लेकिन अमेरिका में 3,000 डॉलर पे भी वो खुश नहीं होगा। वहाँ पे मतलब 7,000 और 5,000 एवरेज डॉलर जो है वो एक लेबर की इनकम है, तो इतना फर्क आ जाता है। तो लिहाजा ये भी एक रीजन थी कि अपने ममालिक पे इन पे बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी, लेजिस्लेशंस थे, तो उनसे तंग आके उन्होंने, या उनसे मतलब एक वे आउट के तौर पे वो आ गए और नई मार्केट को टैप किया। यानी कि इलाम इकबाल का जो शेर था, अगर मैं देखूं, करेंगे अहले नजर ताजा बस्तियां आबाद, तो आप खुद ही देखें ना, मैं कहता हूँ इस सेंस में ये अहले नजर हैं जो अमेरिकन और ये वेस्टर्न, जिन्होंने न्यू मार्केट्स, देखें न्यू मार्केट्स उन्होंने एक्सप्लोर की। एनीवे अच्छा ये है, द मोटिवेशन टू गो ग्लोबल इन हाई टेक इंडस्ट्रीज स्लाइटली डिफरेंट। अच्छा ये कहता है कि हाई टेक इंडस्ट्रीज में मोटिवेशन अलहदा है, दे स्पेंड लॉट ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर न्यू प्रोडक्ट्स, इफ डोमेस्टिक सेल्स एंड एक्सपोर्ट डू नॉट जनरेट सफिशिएंट कैश फॉर द कंपनी नेचुरली माइट लुक टू ओवरसीज मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स एंड सेल्स ब्रांचेस टू जनरेट हायर सेल्स एंड बेटर कैश फ्लो। अच्छा ये कहता है कि हाईटेक में आप देखते हैं अब ये बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग, पर सॉरी मोटर बाइक हुआ, ये BMW हुआ, और ये इवन F-16, लॉकहीड मार्टिन, ये बड़ी बड़ी ये हाई टेक में से, एविएशन तो स्पेसिफिकली नहीं कहूँगा, हाई टेक कहूँगा, जिसमें रिसर्च और डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, उससे बहुत ज़्यादा खर्चा भी आता है। इफ डोमेस्टिक सेल्स एंड एक्सपोर्ट्स डू नॉट जनरेट सफिशेंट कैश फ्लो, तो कंपनी क्या करती है, कंपनी अगर लोकल उससे बिजनेस नहीं कमा सकती तो वो कहती है कि मैं जो इतना खर्चा मेरा हुआ है R&D पर, तो मैं अब ये कैसे एडजस्ट करूंगा, तो वो बाहर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स जो लगा भी लेते हैं और वहां अगर उनके होते हैं तो उनसे ये पैसे कमाना शुरू कर देते हैं। तो ये तमाम रीजंस होती है जिसकी वजह से एक कंपनी इंटरनेशनलाइजेशन की तरफ चलता है, चली जाती है। ब्रीफली जरा मैं बताऊंगा, फर्म्स गो ग्लोबल टू एक्सेस रिसोर्सेज दैट आर
अनअवेलेबल और मोर एक्सपेंसिव एट होम। वही बात है, जापान लार्जेस्ट पेपर कंपनी नेपोन सीशी नीड्स टू डू मोर देन इम्पोर्ट ऑफ वुड पल्प, इट ओन्स ह्यूज फॉरेस्ट एंड प्रोसेसिंग फैसिलिटीज इन ऑस्ट्रेलिया कैनेडा एंड यूएस। अब देखें जी, ये कहता है कि बाज़ औक़ात हम इंटरनेशनलाइजेशन की तरफ फंड इसलिए जाते हैं क्योंकि लोकल जगह पे उनको रिसोर्सेज नहीं मिलती। अब जापान आपको पता है कि वहाँ पे पेपर है नहीं या इस तरह के नेचुरल रिसोर्सेज हैं नहीं, कागज़ वगैरह या मतलब दरख्त, कागज़ कहाँ से आता है, दरख्त से आता है। लेकिन इसने देखा कि ऑस्ट्रेलिया कैनेडा और यूएस में तो बड़े बड़े जंगलात हैं और हेक्टर रक पेपर मतलब ये कि वहाँ पे तो इसकी कंपनी है नेपोन सीशी पेपर कंपनी, उसने क्या किया वुड पल्प के लिए वो इन ममालिक के लिए उन्होंने वहां से एग्रीमेंट किया ऑस्ट्रेलिया और कनाडा और यूएस। अच्छा, लेबर मार्केट आल्सो अट्रैक्ट कंपनीज इनटू द इंटरनेशनल बिजनेस, वन वे कंपनीज गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस बाय लोकेटिंग प्रोडक्शन फैसिलिटीज इन लो कॉस्ट कंट्रीज। अच्छा, लेबर मार्केट भी बड़ा अहम है, वही वही मार्केट पे ज्यादा डिमांड होगी, लोग जाएंगे जहां पे दो तीन चीजें हों। नंबर वन लाइन एडर सिचुएशन, नंबर टू वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर, नंबर थ्री लेबर मार्केट, लेबर चीप हो और लेबर ह्यूमन कैपिटल बन गया हो यानी कि कॉम्पिटेंट हो, स्किल्ड लेबर हो। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो अगर और दूसरा टेक्नोलॉजी उसके साथ हो। इसके अलावा उसकी जो परचेजिंग पावर है मिडिल क्लास वो उसके साथ अच्छी खासी हो तो ये मार्केट आइडियल और अट्रैक्टिव होती है। आप देखते हो इंडिया की तरफ हर मुल्क हाथ बढ़ा रहा है, हर मुल्क इंडिया की तरफ जा रहा है और पहले इंडिया का दौरा करता है, इंडिया को लेफ्ट ज़्यादा कराता है, इंडिया को ज़्यादा वेटेज देता है। दो तीन वजूहात हैं, डेमोक्रेसी, ये 50 ईयर्स, ये 50 तो खैर नहीं, ये 70 ईयर्स की डेमोक्रेसी जो है, मोर देन 70, इससे क्या था, इससे पॉलिसीज में कंसिस्टेंसी, हर गवर्नमेंट आती है 5 ईयर्स पूरे करती है, 5 ईयर्स में जो भी पॉलिसी बनाती है उसको पूरा करके दूसरी हुकूमत आके वो फिर यह इसको कंटिन्यू करती है या दूसरी। तो बाहर के इन्वेस्टर्स और बाहर की जो कंपनीज होती है उनको भी पता होता है कि विद होम वी आर डीलिंग एंड व्हाट विल बी द पॉलिसीज ऑफ दैट स्पेसिफिक गवर्नमेंट। तो और ये बाय वर्च्यू ऑल दीज थिंग्स आर बाय वर्च्यू ऑफ डेमोक्रेसी। कंपनीज एंटर इनटू फॉरेन मार्केट्स बिकॉज कंप्यूटर्स हैव ऑलरेडी डन इट। ये फॉरेन मार्केट्स में इसलिए चलती हैं कि कंपिटिटर्स भी गए होते हैं तो इनको आपको पता है कि कट थ्रोट कंपटीशन और मार्केट शेयर करने के लिए वो भी कैप्चर करने के लिए जो है मार्केट शेयर वो भी उसके पीछे चेस करते हैं कंपिटिटर्स को। गवर्नमेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड ऑफर अ वैरायटी ऑफ इंसेंटिव्स टू अट्रैक्ट एमएनसीज। आपको पता है कि आजकल की दुनिया में इन्वेस्टमेंट बहुत अहम होती है। हमारी ये हुकूमत, मुझे अच्छी तरह याद है 2047 और इस तरह 4 स्पेशली मोल कंपनी आई अलोंग विद इट्स एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज जायगेंटिक मशीनरीज स्किल्ड इंजीनियर्स, उन्होंने क्या किया सदरन जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं पाकिस्तान के और ये करक वगैरह कोहाट यहाँ पे उन्होंने क्या किया, वहाँ पे उन्होंने गैस एंड ऑयल के जो एक्सप्लोरेशन जो रिजर्वायर्स थे उनको एक्सप्लोर करने के लिए हुकूमत के साथ डील किया और मतलब ये कि मोल कंपनी जो है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि ये क्या था, हुकूमत को क्या मिला, हुकूमत को पैसे मिले इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट क्योंकि एक्सप्लोरेशन थी ना, वो रिसोर्सेज 70 साल, क्या मैं कहूँगा कि 700 साल भी अगर आप उसको टैप ना करो वो वहीं पे पड़े होंगे। लोगों का इनकम, लोगों का लाइफ स्टैंडर्ड, ये चीज़ें तो इम्प्रूव नहीं होंगी, रिजल्टेंटली फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन अगर मॉल जैसी कंपनी आ गई या एमएनसीज मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, वो वहाँ पे अपना पैसा, अपनी मशीनरी, अपना एक्सपर्टीज
और अपने स्किल्ड जो लेबर है वो उसको वहां पे यूटिलाइज करे, गैस या तेल एक्सप्लोर करे, वो बिके, उससे हकूमत को भी फायदा और इसम को भी अपनी इन्वेस्टमेंट वापस रिटर्न। तो ये मेरा ख्याल है अच्छी बात है, हकूमत के लिए भी और मुंशीज के लिए भी, विन विन अप्रोच। अच्छा जी, कुछ कंपैरिजन है इंटरनेशनल वर्सेस डोमेस्टिक बिजनेस का, बेसिक्स, बेसिस क्या है इसकी, असास, बुनियाद, इंटरनेशनल बिजनेस और वो डोमेस्टिक बिजनेस, पेमेंट क्या है। इंटरनेशनल बिजनेस में पेमेंट मोस्टली इन फॉरेन करेंसी और डोमेस्टिक में लोकल करेंसी, लॉज एंड रूल्स। अच्छा इंटरेस्टिंग, दी जब आप इंटरनेशनल बिजनेस की बात करते हो तो लॉज एंड रूल्स, इंटरनेशनल लॉज एंड रूल्स के सब्जुगेट होंगे, यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और आपने नाम सुना है ना। मैं आपको चंद मशहूर केसेस बताता हूँ। इंडिया ने पाकिस्तान का एक ड्रामा था, एक नहीं काफी ड्रामा था, लेकिन धूप के नारे, इसको विदाउट कॉपीराइट और विदाउट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के और टर्म्स कंडीशंस तय करने के अपने मुल्क में चलाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने ये केस लेके गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, ये बहुत पुरानी बात है। और धूप किनारे भी बड़ा मशहूर ड्रामा था, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पाकिस्तान के हक में फैसला दिया और इवन उसे फाइन किया, जुर्माना किया, जो भी उसे पेनल्टी लगाई। इसके अलावा अगर आप देख लें ये WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये भी इसके पास भी दुनिया जहान के इंटरनेशनल जो ट्रेड्स हैं उनके डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, इंडिया वर्सेस US, हाँ, और इंडिया वर्सेस इवन पाकिस्तान भी है, पाकिस्तान का भी बड़ा केसेस है और इंडिया के केस। तो अब ये और अभी रिसेंटली आप देखें ना, ये टर्किश जहाज जो था, जो कि आपको इलेक्ट्रिसिटी बेचने के गरज से आया था, मेरा ख्याल है जो फार्मर पीपल पार्टी की गवर्नमेंट थी उसमें एक एग्रीमेंट हुआ था, एक जहाज का इस तरह पोर्टेबल शिप था इस तरह। इन्होंने फिर क्या किया, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चले गए। इस तरह मतलब ये है कि बहुत से ऐसे केसेस हैं जो कि पाकिस्तान अगर उसने उसमें कोई इश्यू इस तरह हुआ, हम अपने मुल्क की एग्जांपल देते हैं, तो लॉज एंड रेगुलेशंस या रूल्स किसके अप्लाई हुए, इंटरनेशनल लॉज एंड रेगुलेशन। लोकल बिजनेस की आप बात करते हो, जैसे आप पाकिस्तान के अंदर बिजनेस करते हो तो नेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस आपके ऊपर इंप्लीमेंट होंगे, कस्टम एंड ट्रेडिशंस। अमेरिका और यूरोप की जब मैं बात या पूरे इंटरनेशनल दुनिया की बात करता हूँ तो कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, डिफरेंट कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस का आपका सामना होगा। आप चाइनीज में, चाइना में अलग कल्चर, जापान का अलग कल्चर, US का अलग कल्चर, इंडिया का अलग कल्चर, पाकिस्तान का अलग कल्चर, आप एक प्रोडक्ट को एक पैमाने में नहीं एडजस्ट कर सकते, यू कैन नॉट फिट, ठीक है, और यू कैन नॉट गेज थ्रू ए सेम यार्ड स्टिक। लेकिन अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो इसको आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये कौमी कल्चर है और लोकल कल्चर है, ठीक है, यहाँ पे भी कल्चर्स हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसे कल्चर्स हैं जो कि आप फेमिलियर हो उसके साथ, और आप पाकिस्तानी कल्चर से या मतलब जिस इलाके में डील करते हो आपको उसके कल्चर का पता होता है। लीगल एंड इकोनॉमिक सिस्टम हैव टू फेस डिफरेंट लीगल, इकोनॉमिक एंड टैक्स रेट सिस्टम्स। लीगल एंड इकोनॉमिक सिस्टम्स क्या होंगे, यहाँ पे क्या उसकी मोडेलिटीज होती है, यू विल हैव वन हैव टू फेस डिफरेंट लीगल, यानी कि लीगल, इकोनॉमिक और टैक्स रेट जो है वो आप डिफरेंट, यू विल एक्सपेक्ट डिफरेंट लीगल, इकोनॉमिक एंड टैक्स रेट्स। While dealing with the domestic business, you are doing domestic business, it is almost the same approach. Approach कौन सी है? Have to follow geocentric approach.
हैव टू फॉलो एथनोसेंट्रिक। देखो जियोसेंट्रिक यानी कि आप एक एथनिसिटी के साथ डीलिंग नहीं करते, और ना ही आप कोई पेट्रियाटिक या अपने लोकल उसके साथ, बल्कि आप तमाम लोगों की जो उनके कल्चर्स और उनकी एथनिसिटी है, और मतलब जो उनका वैल्यूज और मतलब ये कि तमाम चीजें हैं उनके, उनको लेकर ही आप क्या करते हो, आप वहां पे बिजनेस करते हो। अब मैं आपको एक बात बताऊं, अब पाकिस्तान जो है या इंडिया, इंडिया एक बड़ा मल्टी मल्टी इथनिक वो है, और उसमें एक मुल्क है, और उसमें क्या होता है वहां पे, अगर आप कोई, जब मैं इस जियोसेंट्रिक अप्रोच की बात करता हूँ, तो वहां पे आप रिक्रूटमेंट जब आप करते हो, लोगों को भर्ती करते हो, या व्हेन यू एक्सपेक्ट कि मैं लोगों को भर्ती करूंगा, मैंने तो उसमें आप ये नहीं देखते कि ये किस नेशनैलिटी का है, इरिस्पेक्ट ऑफ देयर नेशनैलिटी यू प्रोवाइड जॉब, आप ये देखते हो कि मैं कौन सा सुटेबल बंदा होगा जिसे मैं सीईओ लगा। आप गूगल को देखो, गूगल गूगल ने अपने सीईओ जो है सूरज पिचाई नाम है उसका, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अब जो है सुंदर विचाई सुंदर सुंदर पिचाई, अब ये कौन है विचाई ये? हाँ ये इंडियन है, इंडियन है, और क्या कहते हैं इंडियन रेस का है, और एथनिसिटी उसकी, मतलब भी आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि क्यों दे आर फॉलोइंग द जियोसेंट्रिक अप्रोच। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात है तो आपको अपने ही एथनिसिटी या उससे इलाके से ही आप अपनी रिक्रूटमेंट करोगे और तलाश करोगे। बड़े रेयर केसेस होते हैं जब आप बाहर से, और वो भी अगर मैं बाहर से उस एक्सपर्टीज और स्किल्स का मुझे फायदा मतलब ना मिले अपने मुल्क से, तो फिर मैं बाहर से ले आता हूँ। और सिर्फ स्किल्स और एक्सपर्टीज नहीं है, एक्सपोजर भी है। अभी एक कॉन्सेप्ट है जिस पे मैंने काम किया, और मैं अक्सर इसकी प्रोपेगेशन करता हूँ, और दुनिया भी इसके ऊपर बड़ा, इसको भी एक ऐसा मॉडल लेती है, वो है डायस्पोरा एंगेजमेंट। आप देखे ना तानिया जो ये इमरान खान साहब ने, मतलब हमारे पीएम साहब ने जो तानिया साहिबा थी उसको क्या किया, इनवाइट किया कि जी ये गूगल में काम करती है, और वो थी पाकिस्तानी ओरिजिन की। तो अब ये पाकिस्तानी डायस्पोरा को एंगेज करने के हवाले से ये एक मॉडल की प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन थी। लेकिन इंटरनेशनल दुनिया में आप क्या करते हो, आप एक्सपर्टीज के बेस पर जियोसेंट्रिक अप्रोच यूटिलाइज, यू विल हैव टू डू दिस। लेकिन अगर आप पाकिस्तान या लोकल बिजनेस करते हो तो फिर वो इतने सेंट्रिक अप्रोच होता है। ओके ऑर्गेनाइजेशन दैट एंगेज इन इंटरनेशनल बिजनेस वेरी कंसिडरेबली इन साइज एंड द एक्सटेंट। डेफिनेटली साइज भी उनका बड़ा होगा, और एसेट्स भी ज्यादा होंगे, एक्सपर्टीज भी ज्यादा होगी, तभी वो दे कैन गो फॉर सच बिग डिसीजन। अच्छा एक टर्म है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन कोई बता सकता है, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? जी एनीवन, एनी आइडिया? जो हमारी जी सर हमारे जो अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ग्लोबलाइजेशन अपनी जो ट्रेड है या जो अपनी बिजनेस है वो आप दुनिया भर में मुख्तलिफ कंट्रीज को ग्लोबल की जितनी कंट्रीज हैं उस तक पहुंचाने पहुंचाकर जो है उन उनकी मार्केट्स को एक्सेस करने का नाम ग्लोबलाइजेशन है। अपनी प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मुख्तलिफ कंट्रीज की मार्केट्स तक पहुंचाने का नाम ग्लोबलाइजेशन है अच्छा देखें, उनकी कस्टमर। गुड, अच्छी बात हमाद आपने की। एनीवन वांट टू ऐड एनीथिंग, लाइक टू ऐड समथिंग?
सर एक्सपेंडिंग डोमेस्टिक मार्केट टू इंटरनेशनल मार्केट। ओके गुड। अच्छा देखें, ग्लोबलाइजेशन एक फिनोमेना है, पहली बात। ये फिनोमेना 90s में बड़ा उभर के आया, और किसने इसको उभारा, किसने हाईलाइट किया, अगर आपको याद हो, अमेरिकन जो प्रेसिडेंट था बिल क्लिंटन, उसके फर्स्ट टर्म में और सेकंड टर्म में ये नारा बहुत पॉपुलर हुआ, ग्लोबलाइजेशन, कि जी लोकल बाउंड्री से निकल कर आप बाहर की दुनिया में जाओ, और बाय वर्च्यू ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बाय वर्च्यू ऑफ हाई टेक, आप अपनी बाउंड्री से बाहर निकल जाओ। कैपिटल, मोबिलिटी ऑफ कैपिटल, फ्री मोबिलिटी ऑफ लेबर और टेक्नोलॉजी, तो ये कंसेप्ट वहाँ से बहुत ज़्यादा फेमस हुआ और उसके ऊपर बड़ा काम हुआ। और जब से लोग तो ये कहते हैं कि जब से स्टीम इंजन बना तो तब से ही ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुई। इस तरह स्टार्ट हुआ ये ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट कि फासले कम हो गए, एब्रप्ट महीनों का सफर दिनों में और हफ्तों में और घंटों में होने लगा। लेकिन जब हाईटेक आया और 1960s में 70s में क्या हुआ, अमेरिका और यूरोप के बीच में जो पहली जिसे हम कहते हैं लाइव ट्रांसमिशन, क्रॉस कॉन्टिनेंटल ट्रांसमिशन आई, उससे ग्लोबलाइजेशन का इम्पेक्ट बढ़ा, या उस दाग बेल डाली गई, बुनियाद बेस, और इस तरह मतलब ये कि नेट इंटरनेट जो था वो बड़ा स्ट्रॉन्ग ड्राइवर था ग्लोबलाइजेशन का। मेरी बात आप समझ रहे हैं? लेकिन अगर हम देख लें, ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू द शिफ्ट टुवर्ड्स अ मोर इंटीग्रेटेड इंडिपेंडेंट वर्ल्ड इकॉनमी, ग्लोबल विलेज, नेट ने ही, इंटरनेट ने, और अभी तो सोशल मीडिया और ये वो जो है ये तो और भी एक स्टेप आगे बढ़ गए। और सुकड़ के मैं कहता हूँ कि ग्लोबल विलेज से आजकल अगर मैं देख लूँ तो वो एक ग्लोबल रूम बन गया है, एक ग्लोबल हाउस बन गया है। पहले तो ग्लोबल विलेज था ना, अभी ग्लोबल हाउस। तो ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू द शिफ्ट टुवर्ड्स अ मोर इंटीग्रेटेड इंडिपेंडेंट वर्ल्ड इकॉनमी, वर्ल्ड इकॉनमी एक एज पर ग्लोबलाइजेशन इंटीग्रेट हो गई है, और मतलब ये है कि एक बड़ी इजली कम्युनिकेशन, बड़ी मतलब एक इंटीग्रेटेड तरीके से जो इकॉनमी हमारी है, ये ग्लोबलाइजेशन का जो जो ये शिफ्ट आ गया, इसे ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ग्लोबलाइजेशन हैज सेवरल फैसेट्स इंक्लूडिंग द ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स एंड द ग्लोबलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट से मुराद क्या है? इट रेफर्स टू द मर्जिंग ऑफ हिस्टोरिकली डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट नेशनल मार्केट्स इनटू वन ह्यूज ग्लोबल मार्केटप्लेस। फेलिंग बैरियर्स टू क्रॉस बॉर्डर ट्रेड हैव मेड इट इजियर टू सेल इंटरनेशनली। अच्छा देखिए, ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स ये होता है कि जो पुराने टाइम पे या प्रीवियसली जो अलहदा अलहदा नेशनल मार्केट, जर्मन मार्केट, फ्रेंच मार्केट, पाकिस्तानी मार्केट, इंडियन मार्केट, वो एक ही मार्केट ग्लोबल मार्केट में आ गए। अब मैं अपना प्रोडक्ट अमेरिका, यूरोप, रशिया, जर्मनी, दुनिया के 192-95 ममालिक में इजली बेच सकता हूँ, बिकॉज इट इज अ ग्लोबल मार्केट। दराज डॉट पी के क्या करता है? आप इसको देखें कि टिकटॉक पे फॉलोअर्स पूरी दुनिया से, आज से 30 साल पहले मैं ये सोच, 40 साल पहले 80s में मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि जी मतलब मेरे प्रोडक्ट अमेरिका और यूरोप में, और 80s तो छोड़ें, 2001 तक, 2001 तक, वार ऑन टेरर से पहले पहले या उसके टाइम तक आपके काफ़ी सर्विसेज आपको अमेरिका यूरोप में कोई जानता नहीं था, और ना आप अमेरिका यूरोप से कोई चीज़ मंगवा सकते थे। अभी भी मैं अगर देखूं तो amazon.com पाकिस्तान में उसकी सर्विस नहीं। ये तमाम चीज़ें देखें, इसका मैं मतलब ग्लोबल मार्केट से, अमेरिका तो बहुत बड़ी मार्केट है ना, इसे तो देखें अमेरिका क्यों बहुत बड़ी मार्केट के तौर पे लोग उसको, हमारे प्राइम मिनिस्टर्स भी कहते हैं कि वी डोंट
नीड एड बट ट्रेड. ये ट्रेड क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़ी मार्केट है, 35 करोड़ की हाई पर कैपिटा इनकम की मार्केट. इस तरह आप चाइनीज मार्केट को आप देखें, इंडियन मार्केट को आप देखें, और वहां पे कंज्यूमर क्लास है. तो ये कहता है कि फेलिंग बैरियर और मार्केट के हवाले से तो मैं आपको एक बात मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि मार्केट इज कंप्राइज्ड ऑफ थ्री मेन थिंग्स.